खबर महाराष्ट्र के अमरावती शहर से है, जहां त्रिपुरा मामले को लेकर कई शहरों में हिंसा हुई है। अमरावती में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने अमरावती बंद का ऐलान किया, जहां सभी हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शुक्रवार को हुई तोड़फोड़ के विरोध में भाजपा और हिंदू ने शनिवार को बंद का आह्वान किया था। इस दौरान शहर में तनाव का माहौल रहा। शनिवार सुबह अमरावती में कुछ लोगों ने कथित रूप से बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान पत्थरबाजी करते हुए दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की और बंद हिंसक हो गया। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। इस बीच भाजपा और हिंदू समर्थक संगठनों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अगले आदेश तक अमरावती शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शनिवार की सुबह भाजपा कार्यकर्ता शहर के राजकमल चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने मार्च किया। बंद को देखते हुए अमरावती शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में रैलियां निकाली थी। इस दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई थी। शनिवार को इसी पत्थरबाजी के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। अमरावती पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि अमरावती के राजकमल चौक पर सैकड़ों लोग हाथों में भगवा झंडे पकड़कर नारे लगाते नजर आए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने दुकानों पर पत्थर बरसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने अब तक शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस बीच गृह मंत्री ने संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, ऐसी स्थिति में हम सभी को सामाजिक एकता बनाए रखने की जरूरत है और इस दृष्टि से सभी का सहयोग करना चाहिए। पुलिस को स्थिति को संयम से संभालने और राज्य में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे देखते हुए हर जगह पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, इस हिंसा के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत स्थिति में है और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार चेहरों को जल्द सामने लाया जाएगा। संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र में जो हिंसा हो रही है उसका उद्देश्य महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करना है। हिंसक घटनाओं की बात करते हुए वे विपक्ष राज्यपाल से मिलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा करेंगे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भविष्य में ये सब भी होगा, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल स्थिर है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की जांच में इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने लाया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, जिसे महाविकास आघाड़ी सरकार कहा जाता है। इस मुद्दे पर अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इन्हीं में से एनसीपी नेता और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, कल जो हुआ वह सही नहीं है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन हिंसक आंदोलन करना नहीं है। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि अब और हिंसा नहीं होगी। कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने अमरावती हिंसा की निंदा करते हुए कहा है, मैं त्रिपुरा और महाराष्ट्र दोनों जगह हुई हिंसा की निंदा करता हूं। मैं मुसलमानों की वोटों की मदद से सत्ता में आने वाले नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने त्रिपुरा में हुई हिंसा की निंदा क्यों नहीं की। अगर महाराष्ट्र में किसी पार्टी ने इस हिंसा को बदले की कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल किया है तो मैं कहूंगा कि ये गैर जिम्मेदार का परिचय है। इसी बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें, हिंसा में कई निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है तो इसे लेकर आक्रोश भी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने फर्जी फोटो वीडियो या आपत्तिजनक जानकारी फैलाकर धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस UAPA कानून का इस्तेमाल कर कुछ समूहों को निशाना बना रही है। मालेगांव में राजा अकादमी सहित अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आहूत बंद दोपहर तक शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। अमरावती शहर में जिला कलेक्टर कार्यालय के पास मार्च निकाला गया। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि जैसे ही विरोध हिंसक हुआ, शहर में तनाव बढ़ गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए
लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।